बजटिंग में हम डिस्कस कर रहे थे कि इट इज अ क्वांटिटेटिव प्लान फॉर द फोर्थ कमिंग पीरियड या इट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक हम बनाते हैं इंक्रीमेंटल बजट। इंक्रीमेंटल बजटिंग में हमने क्या किया, पिछले साल की एक्चुअल फिगर्स ली या बजटेड फिगर्स ली और उनमें ऑल्टरेशंस की। मिसाल के तौर पे किसी सवाल पे बोल दिया कि अब हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं या अब हम कैश सेल्स ऑफर कर रहे हैं, तो अगले साल के वॉल्यूम पे क्या इम्पैक्ट आएगा, अगले साल की प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। प्राइसेस का इम्पैक्ट रेवेन्यू को हिट करेगा लेकिन कॉस्ट को हिट नहीं करेगा, लेकिन जो वॉल्यूम का इम्पैक्ट है वो रेवेन्यू को भी इम्पैक्ट करेगा और वेरिएबल कॉस्ट्स को भी इम्पैक्ट करेगा। फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट इंकर करने का इरादा हम करते हैं कि हम मार्केटिंग कैंपेन चलाएंगे या हम अपना मजीद सेल्स टीम स्ट्रांग करेंगे, हम सेल्स टीम को कमीशंस देंगे जिसके बाद हमारी सेल्स बढ़ेंगी, जो कोई आपका प्लान है उसके नतीजे में बढ़ने वाले खर्चे आप शामिल करेंगे। अगर आप कोई मजीद इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, कोई न्यू मशीन्स खरीद रहे हैं, कोई कैपेसिटी इनहांस करना चाह रहे हैं, कोई नया प्लांट लगाना चाह रहे हैं, कोई मजीद स्पेस रेंट पे लेना चाह रहे हैं जिसका इजाफी किराया आएगा, वो सारे जो भी नॉन चेंजेस हैं, एक होंगी वो चीज़ें जो कैरी फॉरवर्ड होती हैं पिछले साल से, यानी पिछले टूर पे भी थी इस टूर पे भी होंगी। तो पिछले साल हमने ट्रिप पे होटल्स का इतना खर्चा भरा था, अब होटल्स में तकरीबन 5% इजाफा हो गया है। पिछले फीसद खाने का इतना खर्चा हुआ था, अब पिछले के मुकाबले में खाना करीबन 10% महंगा हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन हमने पिछले ट्रिप में इतनी भरी थी, अब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पेट्रोल प्राइसेस की वजह से इतने से बढ़ गया है। ये होती है इन्फ्लेशन चेंजेस। या कोई चीज कंपटीशन की वजह से उल्टी सस्ती हो गई है। मिसाल के तौर पे इस बार जब गवर्नमेंट हज का पैकेज अनाउंस कर रही थी तो वो कह रहे थे कि हमने पिछली बार में जो होटल्स करवाई थी या जो ट्रांसपोर्टेशन करवाई थी इस बार हमने नेगोशिएट करके उससे भी सस्ता कर लिया है। दर हकीकत क्या था, इस बार वॉल्यूम कम था वहां पे। कोविड के पीरियड्स की वजह से 2 साल हज ना होना, फिर होटल्स का खाली होना, तो होटल्स आर रेडी टू नेगोशिएट। अगर उनके पास भर भर के लोग आ रहे होते, मिसाल कुछ ममालिक ने शायद इतने हाजी भेजे ही नहीं, इतने वहां उन्होंने कोटा यूटिलाइज ही नहीं किया, तो आपके पास रश नहीं था, तो यू हैड द मार्जिन टू नेगोशिएट। अगर हमें पता चलता है कि पहले होटल का फेयर इतना चल रहा था, अब होटल का फेयर इतना हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन सऊदी अरब में इतनी हो गई है, तो हम एक इंक्रीमेंटल बजट बनाते हैं, उसमें कुछ कमी भी आएगी, कुछ इजाफा भी होगा। और कुछ होती है नॉन चेंजेस, मिसाल वो चीजें जो पहले थी ही नहीं अब हमने इजाफा कर दिया। मिसाल के तौर पर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पहले नहीं चलाते थे अब चलाएंगे, पहले कैपेसिटी जो थी उसी पे चला रहे थे अब हम बढ़ी हुई कैपेसिटी पे काम करेंगे, पहले हम सेल्स टीम को कमीशन नहीं देते थे अब उनको कमीशन देंगे। तो ये नए खर्चे होंगे, वो हम प्लस माइनस करके पूरा बजट बनाते हैं। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और मैथ्स का गेम जो खेला जाता है वो खेला जाता है इन कैश बजट्स। वैसे इट इज पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कि एक बिजनेस के पास करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए कितने पैसे होने चाहिए और उसमें से कितना अमाउंट वो करंट लायबिलिटी से फाइनेंस कर जाएगा। करंट एसेट्स में वी गेट इन्वेंट्री रॉ WIP एंड फिनिश्ड, वी गेट ट्रेड रिसीवेबल्स एंड वी गेट करंट अकाउंट बैंक बैलेंस। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट्स हैं। वेयर डू वी गेट फाइनेंस दिस? रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं सप्लायर से, तो अगर रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर फैक्ट्री में जाने में हम टाइम लेते हैं 7-10 दिन का और सप्लायर हमें टाइम देता है 30 दिन का, तो अच्छी बात है, हमें रॉ मटेरियल में अपना पैसा नहीं फंसाना पड़ेगा, सप्लायर के पैसे पे ही हम उसको प्रोसेस में डाल देंगे। फिर फैक्ट्री में जाने WIP होने से कंप्लीट होने तक, फिनिश होने तक, फिनिश गुड बनने तक उसको कितना टाइम लगता है, फिर फिनिश गुड होने से सेल होने तक उसको कितना टाइम लगता है, सेल होने से पैसे रिकवर होने तक कितना टाइम लगता है, ये हमारी पूरी कैश साइकिल काउंट होती है। और माइनस करते हैं कि हमें सप्लायर ने कितना टाइम दिया है, जो इजाफी टाइम होता है वो हमें कहीं ना कहीं से फाइनेंस करना होता है। कहीं ना कहीं से हम जो जवाब लेंगे वो हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है लेकिन MFA के अंदर इसको बड़ा घसीटा नहीं गया, अदरवाइज उसमें इन्वेंटरी मैनेजमेंट का पार्ट आता है जो EOQ,
रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कवर कर चुके होते हैं। रिसीवेबल मैनेजमेंट का बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया आता है, फैक्टरिंग करने का और रिसीवेबल से पैसे जल्दी लेने का, उनको कैश डिस्काउंट्स ऑफर करने का, वो हमारे सिलेबस में नहीं डाला गया। पेएबल्स मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट आता है कि पेएबल सप्लायर अगर मुझे कैश डिस्काउंट ऑफर करता है और लालच देता है कि वैसे तो बेटा देखो मैंने 30 दिन दिए हैं लेकिन अगर तुम्हें 7 दिन के अंदर तुमने पैसे दे दिए ना तो मैं तुम्हें 2% डिस्काउंट दूंगा, शुड आई अवेल? ये हमारी कैलकुलेशंस हो सकती थी लेकिन MFM में नहीं है। करंट अकाउंट मैनेजमेंट यानी जो बैंक मैनेजमेंट है उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? कैश बजट। कैश बजट आप वीकली बेसिस पे भी तोड़ सकते हैं, मंथली बेसिस पे भी तोड़ सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे भी तोड़ सकते हैं या पूरे साल का भी बनाया जा सकता है। ऑफ कोर्स सवाल की रिक्वायरमेंट में ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या मुझे पूरे साल का बजट बनाना है या उसको महीनों में तोड़ना है या उसको क्वार्टर्स में तोड़ना है। अगर सवाल ने कह दिया कि पूरे साल का बजट बनाओ तो जनवरी में क्या आएगा, फरवरी में क्या आएगा, उसको अलग अलग देखने की ज़रूरत मुझे है ही नहीं। मुझे सिर्फ ये देखना है कि 2021 के कितने पैसे 2022 में मिलेंगे और 2022 की सेल्स के कितने पैसे 2023 में चले जाएंगे। यहां पे हम अक्रूअल कॉन्सेप्ट को उखाड़ के फेंक देंगे बिकॉज मुझे ये नहीं दिखाना कि सेल कब दिखाऊं, परचेजेस कब दिखाऊं, कॉस्ट कब दिखाऊं, प्रॉफिट नो। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि पैसा कब आएगा, कब जाएगा। सो इट इज नॉट IAS 17 इनडायरेक्ट मेथड, ऐसा नहीं है। हम सीधा सीधा कैश बजट बनाएंगे। अगर लेट्स से हम इसमें सबसे पहले रखते हैं कैश इनफ्लोस, मल्टीपल सोर्सेस जहां से द बिजनेस विल बी गेटिंग द मनी। मैं यहां पर रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा। अगर कोई नॉन करेंट एसेट बेच के भी मुझे पैसे मिलते हैं ना, बिस्मिल्ला, ठीक है। कोई रेंट मुझे मिलता है, बिस्मिल्ला। कोई इंटरेस्ट मुझे मिलता है, डिविडेंड्स मिलते हैं। मैंने ये नहीं देखना कि सेल्स से कितना पैसा आना है। नॉर्मली क्या होगा, मुमकिन तौर पे इसके अंदर एक आपका बिजनेस करता हो कैश सेल्स एंड से आपको क्वेश्चन ये रिक्वायर करता है कि कंपनी आइंदा आने वाले 3 महीने से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का बजट बनाना चाह रही है, तो हमने रख दिया अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, सिंपल 3 महीने का। ऐसा मुमकिन है कि सेल्स अगस्त में हुई हो, सितंबर में हुई हो। हम इस बात की गरज में नहीं है कि सेल को सेल कब दिखाया जाएगा, पैसे कब मिलेंगे। कैश सेल्स का मकसद क्या होता है? काउंटर कैश सेल्स उसी टाइम, यानी अक्टूबर में जो सेल्स करूंगा उसका पैसा, बिल्कुल इजी हो गई है। अब सवाल आपको यह बताता है कि कंपनी कस्टमर को 30 डेज देती है। अच्छा, यहां पे एक एक तारीख का फर्क पड़ सकता है। अगर एग्जामिनर का दिमाग घूमा तो वो 30 तारीखें और 31 तारीखों का भी फर्क लगा सकता है। तो अगर एक तारीख भी आगे चली गई और महीना बदल गया तो हम महीना चेंज कर देंगे, राइट? करेगा नहीं, लेकिन एक आध सवाल कोई पास्ट में रहा है, कैफ 8 में रहा था जब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता था तब उसमें एक रहा था, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इतना ज़्यादा शो नहीं करता। अच्छा, सेल्स, क्रेडिट सेल्स का क्या होता है? हम कस्टमर्स को 30 डेज का क्रेडिट पीरियड देते हैं, यू नो व्हाट इज क्रेडिट पीरियड। लेकिन कस्टमर की आदतें बिगड़ी हुई हैं, जो हमारा हिस्ट्री है, जो हमारा ट्रेंड है, वो ये कहता है कि 50% कस्टमर्स उसी महीने में पैसे दे देते हैं, 30 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। अच्छा, इसमें हम ये काउंट कर सकते हैं कि 30 डेज का मकसद क्या है, कि जो 1 अक्टूबर पे, ये मैं एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने 1 सितंबर पे मिसाल चीज़ बेची तो उसको 30 दिन पूरे कब होंगे? 30 अक्टूबर पे। जो 2 तारीख पे बेचे उसको 30 दिन पूरे कहां होंगे? 31 में। लेकिन जो 3 तारीख वाली सेल होगी वो नवंबर में चली जाएगी, राइट? अगर एग्जामिनर डेट्स का हिसाब किताब करना चाहे तो खैर, ये कहेगा कि अक्टूबर की सेल्स का 50% रिसीव मुझे अक्टूबर में ही हो जाएगा। फिर ये कहता है कि 30% सब्सिक्वेंट मंथ में पे करते हैं, यानी सेप्टेंबर की सेल का 50% सितंबर में एंड 30%
अक्टूबर में मिलेगा, राइट। फिर कहता है कि 15% अ मंथ फॉलोइंग दैट, तो सितंबर का 50% सितंबर में, 30% अक्टूबर में, 15% नवंबर में, और कहता है कि 5% बैड डेट्स हो जाते हैं। मिसाल, तो बैड डेट को आपने आउटफ्लो नहीं दिखाना, पैसे नहीं मिले, नहीं मिले, पैसे गए नहीं है, पैसे मिले ही नहीं, वहां हम बैड डेट को एक्सपेंसेस वजह से दिखाते हैं, क्योंकि सेल को हम सेल दिखा देते हैं। तो अगर चीज के बिकने पे आपने उसको सेल दिखा दिया, पैसे ना मिलने पर आपका रोना भी जायज है, लेकिन अगर एक चीज को मैंने इनकम ही नहीं माना था तो ना मिलने को मैं एक्सपेंस आउटफ्लो भी नहीं मानूंगा। बरा अब हम रखेंगे यहां पे रिकवरीज, ऑफ क्रेडिट सेल। अगर तफसील में लिखना चाहें, जिस तरह अगर मैंने कहा कि अगस्त की सेल है, अगस्त की सेल का 50% तो अगस्त में मिलेगा, अगस्त की सेल का 30% सितंबर में मिलेगा, क्या अक्टूबर में कुछ आएगा? 15%। तो मैंने यहां पर रख दिया अगस्त सेल और यहां पे उसकी सेल का 15% दिखा दिया, इसको डॉट छोड़ दिया। फिर सितंबर की सेल का 50% तो सितंबर में मिल गया, वो मेरा कंसर्न नहीं है, अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर की सेल का 50, 30, 15, नवंबर की सेल 50, 30, इस तरीके से हमने मंथ्स दिखा दिए। अब ये चीज़ आप वर्किंग्स में करना चाहें या फेस पे करना चाहें, मेक्स नो डिफरेंस, बिकॉज कोई करता धरता नहीं है हमारे सिलेबस का, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो हमें बताए कि इस तरीके से फॉर्मेटिंग करो, हमारी मर्जी है। इसके अलावा अगर कोई भी आपको इनकम्स आती हैं तो आप रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर क्वेश्चन को हम कॉम्प्लिकेट करें, तो ये कहता है कि हम एक ऐसे बैंक अकाउंट में पैसे रखवाते हैं जिस पे बैलेंस सरप्लस होने पर, जिसमें बैलेंस सरप्लस होने पर बैंक अगले महीने की पहली तारीखों में पिछले महीने के एवरेज बैलेंस पे इंटरेस्ट देता है। तो हम इसको यहां पे क्लोज नहीं कर सकते, क्या होगा आखिर में हमें पता चलेगा कि अक्टूबर में कितना सरप्लस बैलेंस है, और अक्टूबर पे एक परसेंटेज मिसाल उसने बता दी जो कि नवंबर में मिलेगी, सितंबर के आखिर में कितना बैलेंस है वो आपको सवाल बता देगा। मुझे अब आगे का सिलसिला बढ़ाना है, तो से फॉर इंस्टेंस हमने देखा दैट देयर इज प्रॉफिट ऑन सरप्लस बैलेंस। किसी महीने में लेट से मेरा सरप्लस है भी नहीं, अच्छा ये आपने इनफ्लोस को टोटल कर दिया। फिर हम रखेंगे कैश आउटफ्लोज। कैश आउटफ्लोज में आपने अगर सप्लायर्स को पेमेंट करनी है, दैट्स वेरी इजी कि अगर एक ही रॉ मटेरियल है तो एक ही सप्लायर है। ऐसा मुमकिन है कि फिनिश गुड बनाने के पीछे हम दो या तीन तरह के रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं और हर तरह के सप्लायर के टर्म्स अलग हैं। एक सप्लायर ऐसा है जो कि कहता है कैश, एक सप्लायर ऐसा है जो कहता है एडवांस में पैसे दो अगले महीने की बुकिंग के, एक सप्लायर ऐसा है जो हमें क्रेडिट देता है। वी कैन ऑल्टर। अगर हम एडवांस में पैसे दे चुके हैं, परचेजेस भले आप अक्टूबर में दिखाना, लेकिन पेमेंट कब हो चुकी है? सितंबर में। और अक्टूबर में मैं पेमेंट कर रहा हूं नवंबर की, नवंबर में दिसंबर की, और दिसंबर में जनवरी की। हम यहां पे कैश इनफ्लो आउटफ्लो दिखाएंगे। अगर एक ऐसा सप्लायर है जो कि कैश परचेजेस करता है, जिस महीने में आप सामान खरीदोगे उसी महीने में हाथ के हाथ आपने पेमेंट करनी। अगर एक सप्लायर आपको क्रेडिट पीरियड देता है, लेट्स से 45 दिन का देता है, ठीक है, तो हम पिछले महीने की परचेजेस निकालेंगे। अब यहां पे परचेजेस निकालने के पीछे वो आपसे मार्कअप मार्जिन का गेम खेल सकता है। मिसाल के तौर पे उसने आपको जीपी मार्जिन दे दिया या कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे दिया, और अगर ये कहता है कि हम सिर्फ फिनिश गुड्स खरीदते हैं रिटेल और बेचते हैं, तो अगर मेरी सेलिंग प्राइस है 100 रुपए और मेरा उस पर मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 40 रुपए, तो 60 रुपए क्या होगा कॉस्ट? अच्छा अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं
तो रॉ मटेरियल होगा, कन्वर्जन कॉस्ट होगी, राइट, जिसमें फिक्स कॉस्ट भी आएंगी, वेरिएबल कॉस्ट भी आएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स आएंगे, फिर हर किसी की पेमेंट अलग अलग हो सकती है। अच्छा, पहले सप्लायर को एक तरफ करते हैं। आपने इसमें से कैलकुलेट किया कि मेरी रॉ मटेरियल की परचेजेस कौन कौन सी हैं? अगर एडवांस में लेते हैं, एडवांस में पहले दे चुके हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें हो सकती है, जीएसटी, वैट। बात सीधी है, मैं कस्टमर को बेचूंगा, मैं उसे आउटपुट टैक्स लूंगा, मुझे तो पैसे मिलेंगे ना, मैं दिखा दूंगा मेरे। यहां पे वो वाला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ी चलाना है कि भाई थर्ड पार्टी के ब्याह पे कलेक्ट किए गए पैसे हैं तो उसको मैं सेल में ना दिखाऊं, तो मैं क्रेडिट करूं सेल नेट ऑफ टैक्स से और क्रेडिट करूं जीएसटी अकाउंट, पैसे मिले हैं ना, दिखा दो, राइट। इसी तरीके से सप्लायर को आपने इंक्लूसिव ऑफ वैट पैसे देने हैं, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पैसे देने हैं, दिखा दे। फिर लेट से आती है डायरेक्ट लेबर, यानी वेजेस की पेमेंट। अगर वेजेस की पेमेंट कैश है, यानी हम उसी महीने में दे देते हैं, तो जिस महीने की होगी उस महीने में शो हो जाएगी। अगर वेजेस की पेमेंट यूं है कि हम अक्रू करते हैं, अगले महीने की पहली तारीखों पे पिछले महीने के पैसे देंगे, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेट से वो बताता है कि सेल्स इतनी है, उसका इतना परसेंट कॉस्ट ऑफ सेल है या इतना परसेंट जीपी है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बता दिया तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकता हूँ, अगर कॉस्ट ऑफ सेल बता दिया तो जीपी मुझे पता चल सकता है। फिर कॉस्ट ऑफ सेल की बाइफर्केशन देता है कि कॉस्ट ऑफ सेल का इतना फीसद रॉ मटेरियल है, इतना फीसद डायरेक्ट लेबर है, इतना फीसद फैक्ट्री ओवरहेड है, ठीक है, मुझे तोड़ के बता देता है। बहरहाल मैं वेजेस का कैलकुलेट कर लेता हूँ। अच्छा, कभी कभी यूं भी हो सकता है कि आपको परचेजेस दे दे और परचेजेस के को बेस बना के आप सेल्स निकालें। परचेजेस को बेस बना के आप ये कहेंगे कि ये 60% है तो 100% कितना होगा। इस तरीके से आप रिवर्स कैलकुलेशंस, मैथ्स का गेम बहुत खेल सकता है। अच्छा, लेबर का हमें पता चल गया, हमने लेबर को यहाँ पे आउटफ्लो दिखा दिया, एक सप्लायर की जो जो पेमेंट्स हैं और लेबर की जो जो पेमेंट्स हैं उसको हमने आउटफ्लो दिखा दिया। नेक्स्ट, इफ यू हैव गॉट फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर इसमें वेरिएबल हो फिक्स्ड हो, क्योंकि हम प्रॉफिट स्टेटमेंट नहीं बना रहे, तो अगर कोई नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हैं, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी हम यहां पे दिखा देंगे पेमेंट्स से। कोई अकाउंट ऐसा है जो अगर सरप्लस में जाता है तो हमें इंटरेस्ट देता है, और यही अकाउंट ओडी भी है, ओवरड्राफ्ट भी है, फैसिलिटी है। जब भी किसी महीने में ऐसा हुआ कि हमारा आउटफ्लो बढ़ गया, इनफ्लो कम हो गया, इसके अल्फाज समझिएगा, अगर एक्सपेंसेस से इनकम ज्यादा होती है तो उसको हम प्रॉफिट कहते हैं, अगर एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा होते हैं तो हम उसको लॉस कहते हैं। लेकिन यहां पे अगर इनफ्लोज ज्यादा और आउटफ्लोज कम हो तो उसको हम सरप्लस कहते हैं, नेट इनफ्लो। अगर आउटफ्लोज ज्यादा और इनफ्लो कम होता है तो उसको हम डेफिसिट कहते हैं। अगर हमारा बैंक कभी डेफिसिट में जाता है, नेगेटिव में जाता है, तो बैंक हमसे एवरेज बैलेंस पे मार्कअप चार्ज कर लेता है। सो लेट्स से हम एक मार्जिन रख लेते हैं फॉर इंटरेस्ट पेमेंट्स। यहां पे तो सरप्लस था, से इसमें हमने एवरेज बैलेंस पे इंटरेस्ट पे करना है। अब जितने भी आपके इनफ्लोज हैं और यहां से जितने भी आपके आउटफ्लोज हैं, जरूरी नहीं है कि आउटफ्लोज को हम ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स में दिखाते जाएं। जब मैंने ऊपर लिख दिया सारे आउटफ्लोज हैं तो ये अंडरस्टूड है। इनफ्लोज में से आउटफ्लोज माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा नेट कैश फ्लो, जो कि नेट इनफ्लो भी बन सकता है, आउटफ्लो भी बन सकता है। फॉर्मेटिंग क्योंकि किसी स्टैंडर्ड के तहत नहीं है, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर को IAS 7 एप्लीकेबल है तो हम हमारे ऊपर लाजिम हो जाए कि हम पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दिखाएं फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दिखाएं, हमारी मर्जी है। अब ब्रॉड डाउन बैलेंस आप ऊपर ही दिखा दें तो भी आपकी मर्जी है,
या आप यहां पे दिखा दें, जिस तरह हम आइए सेवन के फॉर्मेट में क्या करते हैं, कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं. सो एट द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर इफ यू वर सरप्लस, फिर इन दोनों को प्लस करके दिखा दिया कि हमारा नेट सरप्लस है या डेफिसिट है, यानी इसको हम रख देंगे सिंपली सीडी बैलेंस. ये वाला सीडी बैलेंस यहां के लिए बीडी बन जाएगा एंड सेम लाइफ गोज ऑन. अगर हम इस पर डिस्कशन करना चाहें तो हम कैश बजट इस इंटेंशन से बनाते हैं कि हमें पहले से ही पता हो कि कौन से महीने में हमें कितने पैसों की कितनी जरूरत है. अगर यू सी देर आर सम पीरियड्स जहां पे हम सरप्लस में आ जाते हैं एंड वी सी के सर्टेन टाइम के लिए हम सरप्लस में ही रहेंगे, तो कंपनी कैन अकॉर्डिंगली प्लान कि हम इसको कहीं इन्वेस्ट कर देंगे. जिस तरह हम हेजिंग के अंदर ही देख रहे थे कि हमें आज से इतने टाइम के बाद सरप्लस आने वाला है, इतने अरसे के लिए वो लास्ट करेगा, तो वी प्लान कि वो पैसे हम डिपॉजिट कर दें और इतने इंटरेस्ट के साथ हम उस पर कमाएंगे. ये भाई पहले से पता होता है. देखिए भाई, एक होती है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरी होती है कंपनी की लिक्विडिटी. लिक्विडिटी का मकसद क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी का मकसद तो पता है कि खर्चे कम और इनकम ज्यादा होनी चाहिए. तो अगर किसी कंपनी की इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंसेस तो वो प्रॉफिट है और वाइस वर्सा. लिक्विडिटी का मकसद ये मेजर करना है. लिक्विडिटी का मकसद इज टू मेजर द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशंस एज डिफॉल्ट ड्यू. जैसे ही बिजनेस की करंट ऑब्लिगेशन ड्यू होगी, विल द बिजनेस बी इन अ पोजिशन टू सेटल इट? अगर हम देखते हैं कि हाँ भाई हमारे पास सरप्लसेस हैं तो हमारी लिक्विडिटी बेहतर है. बिजनेस को लॉस नहीं डुबोता, इलिक्विडिटी डुबोती है. कोविड के पीरियड में क्या हुआ था, जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो कुछ ऐसे बिजनेसेस जो कभी खसारे में, कहते ना इस धंधे में मंदा नहीं, तो कुछ बिजनेसेस ऐसे थे जिसमें मंदे की गुंजाइश नहीं थी, वो भी मंदे में आ गए थे. लेट्स से फॉर इंस्टेंस वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट सम स्कूल्स. क्या स्कूल्स का क्या, जून जुलाई की भी फीस लेते हैं, इतनी छुट्टियां होती है फिर भी पैसे लेते रहते हैं. So, उनकी लिक्विडिटी चलती रहती है, हालांकि वो सर्विसेज नहीं देते जून जुलाई में. और बहुत सारे पेरेंट्स ने बहुत बार पिटिशन भी डालने की कोशिश की है कि भाई जब पढ़ा रहे नहीं हो तो पैसे किस चीज के लेते हो. लेकिन वो कहते हैं कि भाई हमारे तो एक्सपेंसेस चलते रहते हैं, हमें तो पैसे चाहिए. हमने देखा कि कोविड पीरियड में बहुत सारे स्कूल्स बंद होना शुरू हो गए. क्या हुआ, लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया क्या? नहीं, उनके एडमिशन तो कंफर्म थे, उनके रेवेन्यू तो आ रहा था लेकिन पैसे नहीं आ रहे थे. क्योंकि अगर उन्होंने चालान जनरेट कर दिया तो पेरेंट कल को जब भी वापस पलटेगा, जब भी स्टूडेंट क्लास में आएगा, उसको बोलेंगे भाई चालान क्लियर करो, नहीं तो हम आपको लीविंग सर्टिफिकेट नहीं देंगे, नहीं तो हम आपको रिजल्ट्स इशू नहीं करेंगे. पैसे तो देगा, कहां जाएगा? लेकिन पैसे टाइम पे नहीं दे रहा था. और क्योंकि वो स्कूल नहीं आ रहा था लॉकडाउन की वजह से, हम उसको कुछ कर भी नहीं पा रहे थे. फिर ये भी सुनने को आया कि फलांगी नौकरी चली गई, फलांगा कारोबार बंद हो गया. जिस तरह हम लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स में है, उस तरीके से पेरेंट्स भी तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स में होंगे. बहुत सारे टीचर्स को निकाल दिया गया था, बहुत सारे स्कूल्स बंद हो गए थे, टीचर्स की सैलरीज हाफ कर दी गई थी. ये प्रॉब्लम लॉस का नहीं था, ये प्रॉब्लम लिक्विडिटी का था. तो हमें अगर पहले ही पता चल जाता है कि सरप्लस है फॉर सर्टेन नंबर ऑफ मंथ्स, हम इन्वेस्टमेंट प्लान कर लेंगे. इफ वी सी के एक डेफिसिट आने वाला है, और खुदा ना खास्ता एक ऐसा डेफिसिट है जो ओवरड्राफ्ट से भी बढ़ने वाला है. ओवरड्राफ्ट की हमेशा एक लिमिट होती है. अगर ओवरड्राफ्ट तक है एंड यू हैव द अरेंजमेंट तो इशू नहीं होता, मैनेज हो जाएगा. लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट से एक्सीड होने की चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं, तो हमें तो पहले से संभाल के रखना पड़ेगा.
बिकॉज अगर हम पेमेंट्स में फेल कर गए ना, देखिए अभी बातें चल रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है, डिफॉल्ट तब करता है कि हमारे जो बॉन्ड्स हैं अगर हम उस पर इंटरेस्ट पे ना करते, जो हमारे 90 डेज के बॉन्ड्स ट्रेजरी बिल्स होते हैं, टी बिल्स होते हैं, अगर वो टाइम पे रिडीम ना होते, रोल ओवर ना होते, तो खबर आ जाती कि भाई डिफॉल्ट कर गया। लेकिन हमने किसी तरीके से वो पेमेंट्स को मैनेज करके डिफॉल्ट को बचा लिया, राइट। अच्छा, हम यहाँ पे देखेंगे कि कहीं हम डिफॉल्ट की सूरत हाल में तो नहीं जाने वाले, अगर है तो हम वक्त से पहले, मे बी कोई ऐसी पेमेंट है, आपने नॉन करंट एसेट बाय करने का सोचा हुआ है ना, कोई टैक्स है बड़ा जो कि किसी महीने में पे होने वाला है, कोई एक मेजर पेमेंट आ रही है जो कि किसी पर्टिकुलर महीने में होनी है, आप उस पेमेंट को अगर डेफर कर सकते हो, डिले कर सकते हो, तो डिले कर दो। जब आपके पास इन्फ्लोज जिस पीक सीजन में ज्यादा हो, उस खर्चे को आप आगे पीछे कर लो, राइट। बहरहाल ये एमएफए के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट द एग्जामिनर टू आस्क सच क्वेश्चंस, ठीक है, इट इज नॉट जस्ट कैलकुलेशंस, वो हमसे पूछ सकता है बिकॉज काफी रैशनल पेपर है, एज आई हैव रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, काफी रैशनल पेपर है और बड़ा लॉजिकली सवाल करता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आप बड़ा प्लेस करके जबरदस्त जवाब दे सकते हो। अगर हम सिर्फ नंबर क्रंचिंग में होंगे, पेपर मरवा सकता है। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन कैसे होगी, पहले हम थोड़ा टफ लेवल का सवाल देख लेते हैं बिकॉज मैथमेटिक्स है, तो टफ लेवल का एक सवाल देख लेते हैं। Question is, Crystal Limited is engaged in the business of supplying plastic chairs to schools and hospitals in Karachi. अच्छा, इसने दो तरह के आपको customers बता दिए। जब भी question में दो तरह के customers बताता है तो हमारे credit terms different हो सकते हैं। मे बी किसी को हम advance payment पे बेचते हों, किसी को हम credit पे बेचते हों, किसी को हम cash पे बेचते हों। तो एक हम schools को कुर्सियाँ बेचते हैं, दूसरा हम hospitals को बेचते हैं। Following data has been extracted from Crystal Limited's business plan. इसने आपको क्या दे दी है, परचेजर्स। अगस्त की एक्चुअल बताइए, क्योंकि अगस्त गुजर चुका है, तो हमने 600,000 रुपए की परचेजेस की थी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अभी आने वाले महीने हैं, तो उनकी फोरकास्ट है 520, 680, 640 और 560,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। अच्छा, अब सेल्स टैक्स इंक्लूड करने का तरीका आपको पता है, अगर कोई सेल्स टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो हम उसको डिवाइड करते हैं, 1+ टैक्स है तो वो नेट ऑफ टैक्स हो जाता है, अगर नहीं तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1+ टैक्स है। द कंपनी यूजेस जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम एंड देयरफॉर हैज नेग्लिजिबल स्टॉक एट एनी पॉइंट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का याद है मकसद, कि एक होती है जस्ट इन टाइम परचेजिंग और दूसरी होती है जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन का मकसद कि रॉ मटेरियल हमारे पास होगा लेकिन फिनिश गुड नहीं बनाएंगे, ऑर्डर आएगा तो फिनिश गुड तब तैयार करेंगे। और जस्ट इन टाइम प्रोक्योरमेंट का मकसद क्या है, रॉ मटेरियल भी नहीं होगा, रॉ मटेरियल भी तब बनाएंगे, खरीदेंगे जब ऑर्डर आएगा। अच्छा, ये जस्ट इन टाइम फॉलो करता है तो हमारे पास इन्वेंट्री होती कोई भी नहीं है। अच्छा, इस काम से ना बड़ा सुकून में आ जाएंगे बिकॉज ओपनिंग और क्लोजिंग से जान छूट जाएगी, तो जितनी परचेजेस उतनी यूजेस कंजम्पशन। Sales tax is charged at the rate of 17% and is payable on the 15th day of next month, along with the sales tax return. Refunds, if any, are received 1 month after the submission of sales tax return. अब ये समझ में आ गई बात। Sales tax में क्या होता है? We calculate two, input and output tax. होगा क्या कि आप एक महीने में चेक करेंगे कि हमारी purchases कितनी और sales कितनी है, अगर just in time है, और अगर सेल्स परचेजेस में से ही निकाल रहा है सवाल, तो ये तो आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि सेल्स ज्यादा होंगी, ठीक है, सेल्स ज्यादा होंगी, परचेजेस कम होंगी। सेल्स ज्यादा होने का मकसद, जो टैक्स हम कलेक्ट करेंगे आउटपुट और जो पे करेंगे इनपुट, वो हमेशा आउटपुट ज्यादा होगा एंड अल्टीमेटली वी आर सपोज टू पे, बात खत्म। अगर सेल्स की डेटा अलग देता था और परचेजेस की डेटा अलग देता था, इनको कनेक्ट ना करता था, तो कभी ऐसा हो सकता था किसी महीने में कि परचेजेस ज्यादा हो जाती और सेल्स कम हो जाती, तो रिफंड हो सकता था। तो ये वाली पॉइंट तो मुझे बिल्कुल किसी काम की नहीं लग रही, कि रिफंड अगर होगा तो वो रिटर्न के भी अगले महीने मिलेगा। अगर ये होता तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो सकती थी, हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती थी। खैर, तो जिस महीने की सेल्स टैक्स होंगे वो अगले महीने की 15 तारीख पर सेटल किए जाएंगे। 70% ऑफ द सेल्स आर मेड टू हॉस्पिटल्स on 2 months credit, whereas the rest of the sales are made to the schools on credit of
1 month. ओके, स्कूल्स को कितना कर रहे हैं? 1 महीने की सेल, और परसेंटेज ऑफ सेल्स कितनी है? 30, है ना? 70 हॉस्पिटल्स को हो गई तो 30 उसको हो गई. 70% जो सेल्स है वो 2 महीने की उधार है और वो 1 महीने की उधार है. ऑल डेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रॉपरली सेटल देयर डेट्स. यस, 2 महीने और 1 महीने में. क्रिस्टल लिमिटेड अर्न्स अ यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑन सेल्स. यानी जितनी परचेजेस है उतनी कॉस्ट ऑफ सेल्स है. हम कुर्सियां बना तो नहीं रहे ना, हम कुर्सियां बेच रहे हैं खरीद के. तो आपकी परचेजेस यानी वो है कॉस्ट ऑफ सेल. इस पे आपका 20% जीपी है, तो ये कितना परसेंट है? ये 80%. जीपी मतलब 20% ऑफ सेल्स, तो ये 80% ऑफ सेल्स है. इसको हम ग्रॉस अप मारते जाएंगे, हमारी सेल्स आती जाएंगे. फिर सेल्स का हम करेंगे 70-30. 10% ऑफ द क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ ऑफ परचेस, 60% आर पेड इन द फर्स्ट मंथ सब्सिक्वेंट टू परचेस, एंड रिमेनिंग 30% आर पेड इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग द परचेस. अगस्त की परचेजेस का अगस्त में कितना पे करेंगे? 10. सितंबर में कितना पे करेंगे? 60. और अक्टूबर में कितना जाएगा? 30. मंथली सैलरीज एंड वेजेस अमाउंट टू 95,000 एंड आर पेड इन द मंथ इन विच दे आर इनकर्ड. आसान हो गया. अ मंथली रेंट ऑफ 50,000 इज पेड इन एडवांस ऑन अ क्वार्टरली बेसिस. क्वार्टरली बेसिस यानी एक महीने का अगर 50,000 है तो पूरे क्वार्टर का कितना होगा? 1.5 लाख. 3-3 महीने का क्वार्टर हुआ ना. और कब कब पे करेंगे? क्वार्टरली इन एडवांस, यानी जनवरी में पे करेंगे 1.5 लाख फॉर जैन फेब मार्च, सही है? अप्रैल में पे करेंगे फॉर अप्रैल मई जून, इस तरीके से. सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर सेप्टेंबर आर एस्टिमेटेड टू बी 40,000 रुपीज. 35% ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड, वेयर एज रिमेनिंग अमाउंट वेरीज इन विद वेरिएशन इन सेल्स. सेलिंग एक्सपेंसेस आर पेड इन अ मंथ इन विच दे आर इनकर्ड. अच्छा, इसने कब का बताया आपको? सेप्टेंबर का. 40,000, 40,000 में से फिक्स्ड कितना है? 35. 40 का 35 कितना बनेगा? 14,000. और बाकी बच गया 26. 26 क्या है? वेरिएबल. ये वेरी करता है विथ व्हाट? विथ सेल्स. विथ सेल्स, हाँ सेल्स. तो हम क्या करेंगे? हम सितंबर की सेल्स कैलकुलेट करेंगे. सितंबर की परचेसेस आपको गिवन है 520. इसको देखते हुए आपने सेल्स निकाल ली, तो आप एक परसेंटेज निकाल सकते हो. अच्छा, वो सेल्स इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी भी रख सकते हो, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो हमने रख दिया लेट्स से एक परसेंटेज ऑफ सेल्स, और हर महीने की सेल्स से उसको मल्टीप्लाई करते गए, और जो 14,000 है वो एज इट इज हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है. अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एट 6% ऑफ द सेल्स फॉर द प्रीवियस मंथ. यानी अगस्त की सेल का कब पे करेंगे? सेप्टेंबर में. कैश एंड बैंक बैलेंसेस एट 31 सितंबर 2013 आर एस्टिमेटेड एज 1 मिलियन रुपीज. अब ये 1 मिलियन को आप टॉप ऑफ द पेज रखें या बॉटम ऑफ द पेज रखें, आपकी मर्जी है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस 1 मिलियन है. प्रिपेयर अ मंथ वाइज कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर. वैसे इसने कहा है कि क्वार्टर का बजट बनाओ, लेकिन आगे क्या लिखा है? मंथ वाइज. तो अगर दिसंबर में खत्म होगा तो शुरू कब से होगा? अक्टूबर. सो वी आर सपोज टू प्रिपेयर द बजट फॉर द अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. हाँ जी, क्या व्यू है? कोई खतरनाक लग रहा है? नहीं. और कुछ नया लग रहा है? नो, इट्स सिंपल मैथ्स. अच्छा, अब हम उठाते हैं पहले कैश इन्फ्लूस. कहाँ कहाँ से इन्फ्लो आ सकता है? ओके, सेल्स फ्रॉम सेल्स टू schools and sales to hospitals. Workings दिखा देते हैं.
लेकिन देखो अब कैश बजट बना रहे हैं, वैसे आपकी वर्किंग बिल्कुल ठीक कह रही है। अब कैश बजट की कुछ हम कहते ना एक आदाब है, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि इनफ्लो इतना आ रहा है और रिसीट पेमेंट इतनी आ रही है, अदरवाइज आपकी बात ठीक है, हम अगर शॉर्टकट करना चाहें तो कर सकते थे। अच्छा पहले हम सेल्स निकाल लेते हैं, सेल्स हम सारे महीने की निकालते हैं फॉर, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है ना। ओके अगस्त की सेल्स कितनी है? परचेसेस है 6 लाख, तो हमने कैसे निकाला, जितनी भी परचेजेस हैं उसको डिवाइड कर दिया 0.8 से, बिकॉज 20% मार्जिन है, तो सेल्स का 20% मार्जिन है और 80% कॉस्ट ऑफ सेल यानी परचेजेस है, तो ये आपने मुझे कितनी बताई 750। आगे चलते चले सितंबर बताएं, ठीक है 850 और 800। अच्छा इन पे लग गया तो जीएसटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जीएसटी कितना 17% है, हाँ बताओ 127,500। अच्छा ये तो अभी आउटपुट है, ये वो टैक्स है जो आप कस्टमर से कलेक्ट करें ऑन बिहाफ ऑफ। अच्छा इसी तरीके से हम इनपुट जीएसटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि परचेजेस पे होगा, राइट। तो परचेजेस आपकी इसकी कितनी 600 थी, अच्छा ये भी हो सकता था कि हम सिर्फ इनका जो जीपी निकालते हैं और जीपी पे 17% लगाते तो भी डायरेक्ट हमारा डिफरेंस आ सकता था। अच्छा जिस तरह इसमें ये हम कस्टमर से ले रहे हैं और ये हम सप्लायर को दे रहे हैं, तो बाकी इनका डिफरेंस बचता है 25.5। ठीक हो गया, इसका कितना बचता है 22.1। ओके सो एज डिस्कस्ड के देयर इज नो रिफंड, और ये हम जब सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके साथ उसको पे करते जाएंगे अगले महीने की 15 तारीख पे। अब हम सेल्स को तोड़ते हैं कि आप हॉस्पिटल्स को कितनी सेल्स करेंगे, सेवेंटी परसेंट 5 to 5, ठीक है स्कूल्स लिख दीजिए, ठीक है ठीक है, पाँच सौ
400। अच्छा, इसमें कोई परसेंटेजेस इस तरीके से नहीं दी गई कि कुछ अब पे करेगा कुछ बाद पे करेगा। डेटर्स आर सपोज टू पे प्रॉम्प्टली, तो हम बड़ा आसानी से इसको उठा सकते हैं। जिस तरह हॉस्पिटल को हम कितना टाइम दे रहे हैं, 2 महीने। तो ये जो सितंबर की पेमेंट है ये हमें रिसीव कब होगी, सॉरी ये अगस्त की, माय मिस्टेक, अगस्त की सेल है तो ये पे होगी, वो परचेजेस है जो हम बेच रहे हैं वो प्योर क्रेडिट है, राइट हो गया। अच्छा, तो अगर हम यहां पे कलेक्शंस दिखाना चाहें फॉर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये वाली पेमेंट हम उठा के कहां रखेंगे, सीधा अक्टूबर में, और ये 455 दिखाएंगे, यहां 595 दिखा देंगे, जबकि ये होगी अपनी हॉस्पिटल वाली। स्कूल्स का क्या सीन बनेगा कि स्कूल्स की 1 मंथ क्रेडिट है, तो यानी सितंबर की अक्टूबर में मिलेगी। सितंबर हम बना ही नहीं रहे ना, हमें सिर्फ 3 महीने चाहिए, तो इनको टोटल करने पहले 720। सात सौ दस, ये हमने रख दिया यहाँ पे। अच्छा, स्कूल्स वाला हमने ऊपर रखा हुआ है, तो ये अक्टूबर में आ गया 195, नवंबर में आ गया 255 एंड 240, 525, 455 एंड 595, ठीक है। और पूरे सवाल में हमने कहीं पढ़ा कि रिसीट का और कोई जरिया है, कहीं से हम कमाते हो, फिर भी कुछ लाइंस छोड़ के, हाँ रिफंड आ सकते थे, लेकिन इस सवाल में मुमकिन नहीं है, बिकॉज हम परचेजेस को बेस बना के सेल्स निकाल रहे हैं, तो सेल्स ऑफ कोर्स ज्यादा ही होंगी। फिर भी 2-3 लाइंस छोड़ देते हैं और हम आगे दिखाते हैं कैश आउटफ्लोज। पेमेंट्स किस किस को करनी है, तो सप्लायर्स को पेमेंट करनी है, सप्लायर हमें क्या टाइम दे रहा है, टूट रहा है ना कुछ अभी कुछ ऐसा, तो हम लेट से पहले बात करते हैं अगस्त परचेजेस की। अगस्त में आपकी परचेजेस कितनी है, 600। हाँ, और ट्रेंड क्या कहता है कि उसका 10% आप अगस्त में पे करेंगे, 60% सितंबर में पे करेंगे और 30%, तो 30% कितना बनेगा, 180। मैं सिर्फ ये रख रहा हूँ, हाँ पहले वाली नहीं रख रहा क्योंकि मेरे काम की नहीं है, रखना चाहे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं फजूल में क्यों अपना टाइम पास करूँ। अच्छा, अगस्त, उसके बाद आती है सितंबर की सेल परचेजेस, सितंबर का 10% सितंबर में जाएगा, 60% कितना, परचेजेस कितनी है, अच्छा 312 हो गया, ठीक है टोटल इसका 60% ये है, और 30% आगे जाएगा, 100, ठीक हो गया। फिर आती है अक्टूबर की सेल्स परचेजेस, अक्टूबर का 10% वो अक्टूबर में ही होगा, 64, 384,
ठीक है, टोटल करते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, पाँच सौ साठ, 628, 644, ठीक है। और क्या पेमेंट्स करनी है लेबर को? लेबर को कितना देना है? 95, ये फिक्स ही है इनके, सेम मंथ में हाँ। खैर अगर आगे पीछे भी होंगे तो फर्क नहीं पड़ता, 95 ही है। अच्छा, उसके अलावा क्या पे करना है? रेंट, राइट। लाइन बाय लाइन अगर चले तो अगला क्या आ रहा है वैसे? हाँ रेंट, सही कह रहे हो। तो क्वार्टरली इन एडवांस के हिसाब से अगला हमारा फॉल करेगा अक्टूबर। अक्टूबर में पे करेंगे 1.5 लाख, 3 महीने का 50-50 के हिसाब से। और क्या पे करना है? सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस की हम अगेन थोड़ी वर्किंग दिखा देते हैं। फिक्स कितनी है? 14,000 ना, 14,000 फिक्स है। और सेल्स का कितना परसेंट है वो हम निकाल लेते हैं। तो 40 में से 14 गए, बाकी बच गए 26। इस 26,000 को हम डिवाइड करते हैं सितंबर की सेल्स से। सितंबर की सेल्स कितनी है? 650 नहीं है, ये सितंबर का ही दिया है ना 40,000, सितंबर का है ना। तो सितंबर की सेल्स कितनी है? 650। 26,000 को 650 से डिवाइड करें, 6,50,000 से 4%। ओके, तो हमारी अब वर्किंग्स इजी है। इसको नाम क्या दिया? सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस 14,000 प्लस 4% ऑफ सेल्स। अक्टूबर की सेल्स कितनी है? 8.5 लाख। 8.5 लाख का 4%, 17, 34, 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
अच्छा फिर है 800 का 4% 32, 32 प्लस 14 और 700 का 4% 28, 28 प्लस 14 42 और क्या है? ओके अदर ओवरहेड्स एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड 6% ऑफ सेल्स फॉर द प्रीवियस मंथ तो अक्टूबर में हम किसकी पे करेंगे सितंबर सितंबर की सेल्स कितनी है 650 650 का 6% कितना बनता है 39 अगला अक्टूबर की सेल्स का 51 नवंबर की सेल 48 डन अच्छा अब हम रखते हैं सेल्स टैक्स सेल्स टैक्स कब देना है हमने अगस्त का टैक्स देंगे सितंबर में सितंबर का अक्टूबर में ऐसा ना तो ये बना हमारा नेट टैक्स 22.1 सितंबर का और अक्टूबर का बना 28.9 सही हुँ.
7.5 बस, और कोई पेमेंट्स नहीं है? अच्छा उसमें ओपन नहीं दिखाया हमने, राइट ऐड कर लेते हैं क्योंकि हम टैक्स पे कर रहे हैं ना सिर्फ, और ये हमारी जो सेल्स हैं वो नेट ऑफ टैक्स है। कलेक्ट कितना कर रहे हैं क्योंकि हम तो कस्टमर से उसी टाइम ले रहे हैं ना पैसे, वो हमें पेमेंट के टाइम पे ही देंगे टैक्स। सही है, ये तो वो अमाउंट है जो हम पे करेंगे, लेकिन हाँ हमें जो कस्टमर दे रहा है और हम जो सप्लायर को दे रहे हैं वो अभी इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, और आपको सेल्स टैक्स मिलेगा कब? जब हमें पेमेंट मिलेगी, है ना, हम सेल के टाइम पे तो नहीं देंगे ना। तो ऐसा, अब ये मिसाल हम इनसे जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं 127.5, लेकिन ये हमें अगस्त में तो नहीं मिलेगा, तो हम क्या करते हैं अपनी कलेक्शंस पे टैक्स लगा देते हैं सिंपल, है ना। एक तरीका देखो क्या हो सकता था कि भाई आपके 750 हैं, इसको आप जीएसटी ऐड कर दें, यानी ये दोनों मिला दें, जो कि 825 या 877 जो भी बनेगा उसका, फिर आप ये बाइफर्केशन कर दें तो भी चलेगा, नहीं तो जो कलेक्शन है आप उस पर 17% लगा दें। ये जो नेट है ये आप किसको पे करोगे? FBR को। आप किससे लोगे? राइट, ये वो अमाउंट है जो आप FBR को दे रहे हो, ये बात ठीक है, ये वो अमाउंट है जो मैंने FBR को देना है, लेकिन मैंने जो कस्टमर से लिया वो कहां है और मैंने जो सप्लायर को दिया वो कहां है, समझ रहे हैं बात? वो तो नहीं है ना इसमें शामिल, तो हमने इसमें लगा दिया सेल्स टैक्स। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन क्योंकि हम कस्टमर से ज्यादा लेते हैं और सप्लायर को कम देते हैं और बीच वाला जेब में नहीं डालते, जो जेब में नहीं डाल रहे वो ये है, लेकिन हमें भी तो मिले और जो डिफरेंस है वो सप्लायर को भी तो दो। तो सिंपली आप क्या करें, इन दोनों का 17% निकाल लें, क्योंकि आपको तो पेमेंट्स के साथ मिलेगा ना, कितना बनेगा 121.7, 141.9। बात समझ में आई अली? ये वो टैक्स है जो मुझे कस्टमर दे रहा है, माइनस करते हैं वो, क्योंकि ये पूरी अमानत है, हम सिर्फ बीच में एजेंट है, विदहोल्डिंग एजेंट है ना सॉर्ट ऑफ। अच्छा, अब इसको कितना पे करेंगे? आपने पेमेंट सप्लायर को कितनी करनी है? 560 का 17% 95.2। नेक्स्ट 106.76। हाँ, ये दोनों मिला के इसके बराबर बनेंगे ना, हम सिर्फ ये करें कि एक कस्टमर हमें पैसे दे रहा है वो इनफ्लो में दिखा दिया, एक हम सप्लायर को दे रहे हैं वो हमने आउटफ्लो में दिखा दिया, जो बच रहा है वो हम, क्योंकि हम तो बीच में है ना सिर्फ ऐसे ही, ये हमें ना बचेंगे ना हमारे जेब से जाएंगे, रिफंड तो खैर है नहीं। चलो ये कितना आ रहा है? 810 और 830.7।
सॉरी 835 976 ठीक है, पेमेंट्स को टोटल करें प्लीज। वन थाउजेंड एक सेकंड रुकिएगा, इसका 1009.3 क्यों है, कुछ इश्यू तो नहीं है? आप जैन इसको कर चुके हो, बताओ। ठीक है, है इशू है 1000। ठीक है, ये ठीक है। लास्ट नाइन सिक्सटी फाइव नाइन एट एट ठीक है। सो ये आगे नेट पेमेंट्स या नेट रिसीट्स, पहला कितना है आउटफ्लो ज्यादा है 166.9, अगला आउटफ्लो ज्यादा है अगेन 134.9 ठीक है 10.9। So we had brought down balance of how much? 1 million था ना, उसमें से 166.9 चले गए, 8 ये इसके लिए बैलेंस बन गया ओपनिंग, इसमें से मजीद चले गया 708.7 ओके हाउ डू यू सी दिस लाइक मैनेजेबल है वैसी चीज़ें, लेकिन अब इसका भी गेम पूरा हमें बताएगा प्रैक्टिस, और इसमें एट टाइम्स हमें चीज़ें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। रिक्वायरमेंट से मेरा मकसद है कि एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है वो कभी कभी ग्रामर ऐसी यूज़ कर लेता है कि परेशानी होती है। अच्छा, एट टाइम्स ऐसा होता है कि उसमें कोई हिंट होती है जो अगर आपने पढ़ ली तो आप समझ जाओगे कि ऐसा ही होगा, कहीं कहीं एग्जामिनर की तरफ से भी फॉल्ट हो सकता है, वो क्लियर नहीं करता, तो ऐसा अज्यूम करने वाला भी ठीक है, ऐसा अज्यूम करने वाला भी ठीक हो सकता है। बट अल्टीमेटली देखिए होगा क्या कि आपके सामने जब सवाल आए और आपने उसका हल निकालना है कि भाई मैंने ऊँट को किसी करवट बिठाना तो है, क्योंकि मेरे आ गया एग्जाम में सवाल। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी से पूछूं यार इसका क्या करना है, मशवरा सलाह मशवरा तो कर नहीं सकते, तो जो कुछ करना है करके आना है, बाद में बात करनी है। ये अगर आपकी प्रैक्टिस बैसाखियों के बगैर चलने की होगी ना, वॉकर के बगैर चलने की होगी ना, तो आप कुछ चल ही जाओगे कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आपको होगा कि यार पूछ लूँ कहीं गलत ना हो जाए, तो एग्जाम में हम बुरे तरीके से फंस जाएंगे, राइट? तो इसकी हम फर्दर प्रैक्टिस करेंगे, आप भी थोड़ा अभी टाइम स्पेंड करके इस पर और करें, क्योंकि इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इनको सॉल्व करने में, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर इसको आप अपनी तरफ से क्रैकिंग करोगे नंबर्स की तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और इस एरिया से हम निकल भी जाएंगे। ठीक हो गया, सी यू नेक्स्ट क्लास।